दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हुए रद्द, मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने एजुकेशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की है। इसी के साथ उन्होंने लाखों छात्रों को राहत देने वाला एक फैसला सुनाया है। मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एग्जाम और परीक्षाएं सब रद्द हुई हैं। दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटी में किसी भी साल की कोई भी परीक्षा नहीं होगी। फाइनल ईयर के बच्चों को भी इसी तरह से असेसमेंट करके उनको डिग्री दे जाएगी। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा समय है जब परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सकता, वहीं छात्रों को डिग्री देना भी जरूरी है क्योंकि उनको आगे की पढ़ाई करनी है और नौकरी भी करनी है। इवैल्यूएशन का फॉर्मूला बनाया जा रहा है और उसी आधार पर छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा और डिग्री दी जाएगी। इस फैसले के बाद लाखों छात्रों को राहत मिली है क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस सेमेस्टर में छात्र पढ़ नहीं पाए हैं। सिसोदिया ने कहा कि छात्रों के हित में ये फैसला लिया गया है ताकि फाइनल ईयर के छात्रों को डिग्री भी दी जा सके और वे नौकरी के लिए आवेदन कर सके। बता दें कि ये फैसला सिर्फ दिल्ली की राज्य यूनिवर्सिटी के लिए है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो फैसला दिल्ली सरकार ने स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए लिया है, वही निर्णय केंद्र सरकार केवल दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि देश भर के विश्वविद्यालयों के लिए ले।